अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेक्टम टी 49 ड्रॉप्स की अहमियत और अफादियत पर। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल वाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कुव्वत मुजामियत में कमी या ज़ायल हो जाना और जमा की तरफ बेरुगबती मर्द को पस्त हिम्मत बनाकर अजदवाजी ज़िंदगी में जहर घोल देती है। मेक्टम टी 49 अजू तनासल या खसियों में किसी पदाशी नक्स की वजह से कसरत मुबाशरत मुश्तजन्नी कसरत जरियान मनी व अहतलाम बाज़ इमराज जहर आतशिक सुजाक डायबिटीज़ किल्लत मनी फकरात मोटापा जिस्मानी कमज़ोरी या नशे के बाद होने वाली कुव्वत मर्दमी की कमी की बहाली में नहायत सूदमंद मानी जाती है। मेक्टम टी 49 कुव्वत बाग की कमी के साथ दर्ज ज़ैल अलामात की पुकार है। जिंसी ख्वाहिश का खात्मे अज़ूए मखसूसा की ख्वाहिश कमज़ोरी ढीला पिलपला सर और लटके होना कुव्वत मर्दमी के साथ कुव्वत हाफ़िज़ा का जवाब दे जाना रतूबात जिस्मानिया के ज़ायद अखराज या किसी बीमारी के बाद कमज़ोरी कानों में घंटियाँ बजनी महसूस हों काहिल कुंजेन और दीगर मर्ज में मुबतला मरीज़ चिड़चिड़ेपन का शिकार हों तो मेक्टम टी 49 असाब को ताकत बख्श कर कुव्वत बाह को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स, इसका तरीक़ेकार यह है कि 10 से 15 कतरे दिन में 3 से 4 बार थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें। वीवर्स, तुरश मसालादार अशिया और मनशा से परहेज़ करें, कब्ज़ ना होने दें। अच्छी सेहत के लिए सफाई रखना और ताज़ा हवा में सैर करना अज़ हद लाजिम होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो टी 49 ड्रॉप्स पर। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।